नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के लिए 7 चरणों के चुनाव का आगाज हो चुका है। अब तक 3 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। चुनाव के कई ऐसे सियासी योद्धा हैं जिनकी न सिर्फ प्रतिष्ठा दांव पर लगी है बल्कि रिकॉर्ड बचाने की भी चुनौती है। इन धुरंधरों में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सुप्रीमो शिवपाल यादव, विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और बसपा विधायक उमाशंकर सिंह शामिल हैं। इटावा की जसवंत नगर सीट को अब तक शिवपाल यादव का गढ़ माना जाता था। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सुप्रीमो शिवपाल यादव इस सीट पर लगातार 5 बार से विधायक हैं। शिवपाल यादव लगातार 6वीं बार जीत हासिल करने के लिए जसवंत नगर से चुनावी मैदान में है। मुलायम सिंह यादव ने 1996 में शिवपाल यादव के लिए यह सीट छोड़ी थी। तब से लेकर 2017 के विधानसभा चुनाव तक शिवपाल यादव इस सीट पर कब्जा रहा है। हालांकि इस बीच समय समय पर शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आती रही हैं। यशवंत नगर सीट से बीजेपी ने विवेक शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिया है। कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। चुनाव में यूपी में रघुराज प्रताप सिंह के राजनीतिक कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है कि वे प्रतापगढ़ जिले की कुंडा सीट से 6 चुनाव निर्दलीय जीत चुके हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो इससे पहले के चुनावों में उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है और चुनाव परिणाम आने पर हर बार कयास सही साबित हुए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा की सक्रियता जरूर कम नजर आ रही है, लेकिन बलिया जिले की रसडा से बसपा ने सिटिंग विधायक उमाशंकर सिंह पर तीसरी बार भरोसा जताया है। उमाशंकर 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में तीसरी बार चुनावी मैदान में है। तो दोस्तों, कई पार्टियों के कई धुरंधर, जाने माने धुरंधर अपना भाग्य आजमा रहे हैं और उनकी इज्जत भी दांव पर लगी हुई है। अब देखना यह है कि जनता किसे चुनकर लाती है, किस को विधायक बनाती है। आप इस वीडियो को देखकर हमें कमेंट्स में बताएं कि किस सीट से कौन विधायक होगा। हमें इंतजार है आपके कमेंट्स का। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।